की फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं ने भारतीय परंपरा के पारंपरिक परिधानों पर अपना कलेक्शन तैयार किया और भोपाल में हुई फैशन स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया है। इंदौर के निजी फैशन डिजाइन संस्था के स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया लॉन्च पैक कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया है। भोपाल में हुए इस कंपटीशन में डिजाइनिंग के स्टूडेंट महिमा कटारिया और सकीना मटकावाला विजेता रही हैं। इनके कपड़ों की विशेषता यह थी कि इनके द्वारा आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों की ड्रेस से प्रेरणा लेकर खुद की ड्रेस की डिजाइन तय की गई थी। वहीं ड्रेस डिजाइन करने के लिए गाँव में पहने जाने वाले परिधानों के फैशन को भी इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट रनर अप पोजीशन पर रही हर्षिता गिहानी ने अपने कपड़ों को डिजाइन करने की प्रेरणा किताबों से ली। डिजाइनर हर्षिता के द्वारा जो कपड़े डिजाइन किए गए थे उस पर किताबों के पन्नों की तरह ही अक्षर दिखाई दे रहे थे, और जिस तरह स्याही पढ़ने पर अक्सर अपने रंग छोड़ देता है उसी प्रकार की डिजाइन कपड़ों पर दिखाई दे रही थी। स्पर्धा में प्रथम आए डिजाइनर स्टूडेंट्स लैक्मे फैशन वीक 2020 में अपना कलेक्शन पेश करेंगे, जिसके लिए वे खास तैयारियां भी कर रहे हैं। ये कंपटीशन भोपाल में हुआ था। हम लोगों ने वहाँ पे दो गारमेंट्स बनाए थे, तो उसमें से हमने थीम ली थी ननिहाल के ऊपर। और वहाँ का जैसे गांव में हम अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनसे इंस्पायर होके हमने दो ड्रेसेस बनाई थी। एक हमने आंगनवाड़ी के बच्चों से इंस्पायर होके ड्रेस बनाई थी, उसमें फुल मैक्सी ड्रेस बनाई थी, उसके ऊपर हमने चेन एम्ब्रॉयडरी की थी। दूसरी ड्रेस हमने नानू की धोती से इंस्पायर होकर बनाई थी, और उसमें हमने मिट्टी में जैसी दरार पड़ जाती है उस दरार से इंस्पायर होकर हमने एम्ब्रॉयडरी करी थी, उसको हमने दरार एम्ब्रॉयडरी का नाम दिया था। हाँ, हम हमारे इंडिया की रूट्स को फैशन में आगे बढ़ाने के लिए हमने ये इंस्पिरेशन ली थी, ये थीम ली थी। लैक्मे फैशन वीक में इसी थीम पर हम लोग 6 ड्रेसेस बनाएंगे, ये 2 ड्रेसेस है और 4 और ड्रेसेस बनाएंगे, और इसी थीम को हम लैक्मे फैशन वीक में भी आगे लेकर जाएंगे।